अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ ईद उल अज़हा स्पेशल बहुत मज़ेदार कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही सिंपल से और मज़ेदार बन के रेडी होने वाली है। गर्मियां बहुत हैं, आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मेरी रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी और सॉफ्ट, बिल्कुल नरम और मुलायम बन के तैयार होने वाली कलेजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने 1 किलो के करीब कलेजी है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, खूब साफ़ सुथरा कर लिया है। और ये मैंने 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 ही खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है इसमें। और लहसुन लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच, सिर्फ लहसुन जाएगा, उसको मैंने कूट लिया है, पीसा नहीं हमने, कूट लिया है। और कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें, ये 1 खाने का चम्मच भर के लिया है मैंने। और हल्दी 1/2 टीस्पून लिया है। हम नमक थोड़ी देर में डालेंगे, जब हमारी ये कलेजी बिल्कुल अच्छी सी गल जाएगी, हम सब मसाले एक साथ डाल देंगे और इसको कुकर को बंद कर देंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएगी फिर हम इसमें नमक डालेंगे और इसको भून लेंगे। और ये मैंने 1 डोंगे का चम्मच विनीगर लिया है, विनीगर डालेंगे हम 1 डोंगे का चम्मच इसमें, विनीगर का डलेगा बस। और इसमें मैं 1/2 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालूँगी। हम इसमें सब कुछ एक साथ डाल के चढ़ा देंगे और इसे फिर हम भूनेंगे, सिर्फ आखिर में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आखिर में इसलिए डालते हैं कि कलेजी बहुत अच्छी तरह गल जाए, अगर नमक हम पहले डालेंगे तो कलेजी में थोड़ी कसर रह जाएगी। इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको हम अच्छा 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। अब मैं प्रेशर दूँगी इसको बस 1 कप। जी व्यूअर्स, कलेजी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुई है।